नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर जिले में अडोली के पास जंगल में 4 महीने के लेपर्ड कैट का शव मिलने का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत भूख से हुई है। वहीं दोफार के नागर में भी तेंदुए के बच्चे का सड़ा गला शव बरामद हुआ। शावक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे कि विभाग आपसी संघर्ष का अनुमान लगा रहा है। बागेश्वर पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल ललित कुमार का 3 महीने बाद भी पता नहीं चल पाया है। वहीं कांस्टेबल का पता नहीं लगने से नाराज परिजन आज कलेक्टर जाकर धरने पर बैठ गए और बेटे की गुमशुदगी की जांच की मांग करने लगे हैं। वहीं परिजनों का ये कहना है कि ललित अकेला ही घर में कमाने वाला था, लेकिन उसकी गुमशुदगी के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है और इस दौरान ललित की माँ ने प्रशासन और सरकार से बेटे की बरामदगी की गुहार लगाई है। वही था, उसी के सहारे मैं जी रही थी। अब मेरे सहारा कोई है ही नहीं है। एक छोटा लड़का है, बेरोजगारी है घर में, दो जनी हम है। ये लड़का मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो यही मरेंगे बसेगी, और सरकार रहेगी मेरी जिम्मेवार दोनों जने की। अच्छा, और वही निमटेंगे। और मेरा लड़का तो जैसे आपके हवाले यहाँ आपके हवाले करे वैसे चाहिए मुझे। पिछले अगस्त 11 अगस्त को ललित कुमार एसपी कार्यालय में तैनात था। 11 अगस्त को अचानक ड्यूटी से गायब हो गया। तब से हमने इनके माता पिता के साथ कितनी बार एसपी कार्यालय में हमने चक्कर काट दिए। इनके जो डीएम साहब कार्यालय में भी आए, 2 बार, तीसरी बार आ गया जी, यहाँ भी चक्कर काटा हमने, उसका कोई पता नहीं मिल पा रहा है। पुलिस विभाग की तरफ से कोई ठोस प्रमाण नहीं पा रहा है। टाल मटोल कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई हम ढूंढ खोज में लगे हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं चल पा रहा है। तब हमने पिछली बार आके 20 तारीख का दिन निश्चित किया था, हम 20 तारीख तक उसकी खोजबीन अता पता नहीं चलता है तो हम 20 से धरने में बैठेंगे करके। बागेश्वर कांडा के भद्रकाली क्षेत्र में 1 साल पहले हुई मौत का अब तक खुलासा नहीं हो सका है और अब मृतक की मां ने बेटे की हत्या के खुलासे के लिए पीएम मोदी को भी पत्र भेजा है। दरअसल 30 अक्टूबर 2019 में दिनेश का शव संदिग्ध हालात में घोड़ागाड़ पुल के पास पड़ा मिला था और इसके बाद उनके भाई गोपाल दत्त जोशी ने मौत को हत्या बताते हुए 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन 1 साल होने के बावजूद भी मामले में कोई खास सबूत हाथ नहीं लग सके हैं और उनके भाई का कहना है कि हत्यारे आज भी बेखौफ घूम रहे हैं। वहीं इस मामले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा गहनता से जांच करने की बात कह रहे हैं। मेरे भाई दिनेश चंद की 2019 अक्टूबर 30 तारीख को हत्या हो गई थी, जिसके 1 साल पूरा होने के बाद भी उसके मर्डर का कोई खुलासा नहीं हुआ और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना के अलावा कोई मदद नहीं दी गई, जिसका हमें आज भी इंतजार ही है। और पुलिस की कार्यप्रणाली से परिवार क्षुब्ध है। वहीं बागेश्वर में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके सक्सेना ने बताया कि जिले से आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए 310 सैंपल भेजे गए हैं। वहीं जिले से अब तक 32,628 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से अभी तक कोरोना के 1,038 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 969 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। तो वहीं 61 संक्रमित मरीजों का इलाज कोविड अस्पताल बागेश्वर में किया जा रहा है और इसके अलावा जिले में 8 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। वहीं बागेश्वर जिले में बारातों का सीजन शुरू होने के साथ ही जाम की समस्या भी अब बढ़ती जा रही है। इस दौरान आज जिले के कई जगह पर पुलिस की गैर मौजूदगी के चलते जाम लग गया, जिसके चलते यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं इस दौरान नगर वासियों ने पुलिस प्रशासन से बारात के सीजन को देखते हुए जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं कोतवाल डीआर वर्मा का कहना है कि जिले में बारातों के कारण जाम लग रहा है और इसके लिए नगर में पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस तैनात है, साथ ही साथ जाम लगते ही खुलवाने का प्रयास भी किया जा रहा है।
बागेश्वर जिले के ग्वालदम में एसएसबी में तैनात ईश्वर सिंह की ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने से मौत होने पर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को उनके घर हरियाणा भेजने की तैयारी की जा रही है, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार एसएसबी ग्वालदम में तैनात ईश्वर सिंह की तबियत अचानक बिगड़ गई, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार।